बहन की गाली देकर नाच रहे इस शख्स का नाम है विजय शेखर शर्मा। ये पेटीएम के फाउंडर हैं। साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद पेटीएम पहली बार विवादों में आया। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई और 9 नवंबर को लगभग सभी बड़े अखबारों में पीएम मोदी की फोटो के साथ लिखा हुआ आया, पेटीएम करो। सवाल उठे कि क्या पीएम मोदी पेटीएम को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही बात आई गई हो गई। पेटीएम ने उसके बाद बहुत ग्रोथ की, आप सभी को पता है। नोटबंदी के बाद लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस सबसे बिजनेसमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। फायदा हुआ है तो नाच रहा है आदमी। ये प्राइवेट कंपनी का नेचर होता है, इस पर हमें इन्हें जज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कोई कंपनी जिसके पास हमारी पर्सनल डिटेल्स हों और पैसे रखे हों, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे डेटा की सुरक्षा करे। लेकिन कोबरा पोस्ट के एक स्टिंग में विजय शेखर शर्मा के भाई अजय शेखर शर्मा, जो पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुलासा किया कि पेटीएम यूजर्स का डेटा सरकार के साथ शेयर किया गया है। उन्हें पीएमओ से इसके लिए फोन आया था। वहाँ पर जेके में बंद हुए थे ना, जो पत्थराव वाला, तो हमसे पर्सनली पीएमओ से फोन आया, कहा गया था हमने डेटा दे दो, हो सकता है पीटीएम यूज करना, समझ लो। पर्सनली पीएमओ से फोन आया, कहा गया था हमने डेटा दे दो, हो सकता है पीटीएम यूज करना, मतलब पेटीएम में आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, आपकी डिटेल्स पेटीएम से लीक हो सकती हैं। यही नहीं, ये भी खुलासा हुआ कि पेटीएम प्रधानमंत्री की एक किताब को अपने ऐप से प्रमोट कर रहा है। ये हमारी पेटीएम ऐप है, राइट। आज के दिन मिस्टर मोदी इज राइट हियर, उनकी एक बुक आई है अभी, एक्स्ट्रा एग्जाम वॉरियर्स, राइट। वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग दिस बुक एंड इट्स राइट डिस्प्लेड ऑन द होम पेज। ओके, राइट राइट। अजय शेखर शर्मा बहुत ही प्राउडली बताते हैं कि संघ तो उनके खून में है और उनका बीजेपी के नेताओं से सीधा संपर्क है। वो सब हम कर देंगे अगर मेरे से आरएसएस गएगा, क्योंकि आरएसएस तो हमारे ब्लड में है। क्या बात है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया कि एक कंपनी का इस तरह से किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को फैलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव के बाद सरकार ने लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील की, जिसके बाद पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उठा यह कदम देश हित में है। इंडिया के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स को आगे आना चाहिए और कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो इंडिया में बना हो, इंडियंस के लिए हो। यह ज्ञान वो आदमी दे रहा है जिसकी खुद की कंपनी में चीन की कंपनी अलीबाबा का पैसा लगा हुआ है। आज गूगल ने पेटीएम को हटा दिया था। गूगल के मुताबिक पेटीएम गैम्बलिंग कराता था, लोगों को ऑनलाइन अड्डा दे रहा था जुआ खेलने का, जबकि इंडिया में सट्टेबाजी बैन है। लेकिन आप लोगों के मुताबिक तो कॉरपोरेट कंपनी का नेचर सिर्फ पैसा कमाना होता है, तो भाई ने जुए का अड्डा भी खोल रखा था। और डायरेक्ट नहीं, ऐसा था कि पेटीएम ऐप पर दी गई लिंक को क्लिक करो तो दूसरी वेबसाइट में जाकर अड्डा खुलता था, लेकिन गूगल ने पकड़ लिया और ऐप हटा दिया। अब पेटीएम ने जुए के अड्डे वाली लिंक हटाई तो गूगल प्ले स्टोर ने दोबारा पेटीएम को प्ले स्टोर पर डाल दिया है। मतलब आप समझिए कि स्टेज से गाली बककर खुद को वुल्फ ऑफ नोएडा स्ट्रीट समझने वाले जनाब सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, डेटा चोर हैं, जुए का अड्डा चलाते हैं। इन्हें बिजनेसमैन कहना तो मेरे ख्याल से इनके टैलेंट को कम करके बताना होगा।